कप्तानी के ऊपर बात तो सारे सब करते हैं कोच का कब रोल प्ले होता है तो इस तरह मतलब कोच क्या लाइन लगाने के लिए होता है डाल अच्छा देना कि जी वही तो फिर गैरी कर्स्टन और इस तरह के जो दुनिया के इतने महंगे महंगे कोचेज लेके रखे हैं पाकिस्तान ने उनका भी तो रोल होगा ना उन वरना वो किस बात के पैसे ले रहे हैं कप्तानी के ऊपर बात तो सारे सब करते हैं कोच का कब रोल प्ले होता है तो इस तरह मतलब कोच क्या लाइन लगाने के लिए होता है कि अच्छा जी अब या बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे टाइमिंग ही उसकी ये है तो ये कहने की बातें हैं ऑल्डो के पास सेंटर ऑफ द विकेट पे ऑफकोर्स द कैप्टन इज द मैन इन चार्ज लेकिन जो टीम डिसाइड करती है बैक एट द ड्रेसिंग रूम वो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं हाँ कभी लास्ट मिनट पे कोई एक ऐसा डिसीजन है तो उसमें चेंजेस कैप्टन भी करता है और कर भी सकता है लेकिन होल सोल पूरा कैप्टनसी के ऊपर डाल देना कि जी वही तो फिर गेरी कर्स्टन और इस तरह के जो दुनिया के इतने महंगे महंगे कोचिज़ लेके रखे हैं पाकिस्तान ने जो कि ज़रूरत तो है नहीं कोचिस के ऊपर या कोचिंग के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा लेकिन आ, आ, उनका भी तो रोल होगा ना उनके भी तो डिसीजन होंगे उन गैरी कस्टन का भी तो उसमें पार्ट होगा वरना वो किस बात के पैसे ले रहे हैं देखिए ट्रॉफियां तो आती रहेंगी एवरी एंड देन सिर्फ बात को घुमा फिरा के करना कि अब हम चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका माइंड कुछ और, आ, कुछ है ही नहीं हर दफ़ा में हर आ, दिन कोई नए चेंजेस कोई ना कोई आके तो सेट हो जाएगा लेकिन वो दस साल में उस तरह के प्लेयर एक दफ़ा आते हैं लेकिन आपको उनका क्लास एक्ट जो जो प्लेयर्स होते हैं वो उनको रिकोगनाइज करना एट द अर्लियर स्टेज वो दैट इज दैट इज एन आई वॉट इज नीडेड इन पाकिस्तान एंड uh, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो आय को देखने का इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रादर देन गिविंग अ ट्राई टू सो मैनी एंड यट यू आर स्टैंडिंग इन नो मैनज लैंड टूडे कि जिस तरह ओपनिंग आपकी पार्टनरशिप की इशू रहे कि जी हम ये टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं और uh, विकेट कीपिंग के इशूज़ आपने क्रिएट करे वो पाकिस्तान को उसका डेंट पड़ा तो ये इस तरह के ट्रायल एंड एरर के लिए हर दफ़ा नए टूर्नामेंट से पहले आप ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे तो इसका मतलब जो रोड पे चल रहा है उसको भी देंगे तो वो उसने भी आके यही करना है कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम का ज़रूर कभी अच्छा रहेगा कभी बुरा रहेगा लेकिन उसके लिए अपनी वैल्यू अपनी अपनी विकेट की वैल्यू करना आप सीखें हमारे प्लेयर्स अपनी पिच की अपनी विकेट की वैल्यू नहीं करते एनी टॉम डिकरी से आउट हो जाते हैं नो आई ब्रोज रेस्ट आप अपनी विकेट की वैल्यू जब करेंगे कि जी दुनिया का बेस्ट बॉलर ही मुझे आउट कर सकता है दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टेप अप द और और फिर एक दिन आपका दुनिया में लोग आपको जब मानना करेंगे कि आप नीड ऑफ द आर्म अंडर प्रेशन अंडर प्रेशर ट्रबल वाटर्स में से अपनी टीम को जब निकालने की एबिलिटी रखेंगे वो टाइम uh, होता है कि जब प्लेयर एलिवेट करता है uh, तो वो र, र, अपने बार को अपने लेवल ऑफ द बार को रेस करने के लिए uh, प्लेयरों के अंदर भी वो इंस्टिंक्ट होनी चाहिए वो अभी हो नहीं सकती इसलिए कि ये वो प्लेयर्स हैं जो पिछले कुछ सालों में ऊपर आए ना तो जो यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं बेसिकली तो ये उन प्लेयरों में से उन कोचिज के हाथों में से होके आए जिन्होंने दो दो चार चार और ज्यादातर लोगों ने तो क्रिकेट टॉप लेवल की खेली नहीं है बट येट मैनेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट अराउंड पाकिस्तान तो उसका नुकसान एवरी नाम देन आपको होना ही हो, होता ही रहेगा इस मैच को जीतना जो है वो बहुत आसान था और हारना बहुत मुश्किल लेकिन पाकिस्तान ने वो भी कर दिखाया कि एक जीता हुआ मैच किस तरह हारा जाता है बात यह है कि उसके अंदर जो गलतियां जो पाकिस्तान ने की अपनी जगह है लेकिन इंडिया ने भी उसके अंदर गलतियां की जिस तरह उनकी बैटिंग खेली और दोनों टीमें बेसिकली एक पूरा परफॉर्मेंस बैटिंग की नजर आई लेकिन उसके अंदर इतफा की बात है कि पाकिस्तान सेकेंड नंबर पर आया बात और आगे लेके चलें तो जिस तरह हमारे जो जैसे कि एक मैच में हर एक को पता है दो से तीन प्लेयर ही चलते हैं किसी दिन आपकी बारी आएगी किसी दिन मेरी बारी आएगी तो जब आपकी वैल्यू जब विकेट के आप वैल्यू नहीं करेंगे आप गलत टाइम पे गलत स्ट्रोक या हर बॉल के ऊपर हवा में एयरबॉन शॉट खेलते हुए नजर आएंगे तो आएँगे बाउंड तो टू गेट आउट सुन और लेटर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप कि उन्होंने फॉल स्ट्रोक खेले रन बॉल करना बहुत आसान होता है तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैच जीतना आसान था और हारना मुश्किल लेकिन ये कि बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह का मैच हाथ से निकल गया